गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने रेंज की क्वेश्चन किए थे कि डेफिनेशन ऑफ रेंज क्या है। रेंज क्या था? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। फिर हमने कोफिशेंट ऑफ रेंज निकाला। रेंज हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज तीनों का निकाला। आज हम करेंगे क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। मतलब थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस। क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय टू। जैसे हमने यहाँ क्वार्टाइल रेंज की, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय टू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जैसे रेंज में कर रहे थे हम, रेंज में क्या कर रहे थे? लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट टर्म प्लस स्मॉलेस्ट टर्म। अब ये जो क्वार्टाइल है ये तीनों सीरीज में अलग अलग निकलता है। अगर सीरीज इंडिविजुअल है तो निकालने का तरीका अलग है। अगर सीरीज आपकी डिस्क्रीट है तो चाहे थर्ड क्वार्टाइल हो चाहे फर्स्ट क्वार्टाइल हो, निकालने का तरीका अलग है। कंटिन्यूस में अलग, मतलब तीनों सीरीज में चाहे आप फर्स्ट क्वार्टाइल निकालो चाहे आप थर्ड क्वार्टाइल निकालो, तीनों को निकालने का तरीका अलग अलग रहेगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, आपको पता है जब हम मीडियन निकालते थे तो टर्म्स को क्या करते थे? सबसे पहले अरेंज। इसी तरह जब भी आप क्वार्टाइल निकालेंगे या क्वार्टाइल रेंज के क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप टर्म्स को क्या करेंगे? अरेंज। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। जैसे उसने क्वेश्चन दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कैलकुलेट कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। डेटा उसने दिया, एक्स दिया 59, 60, 65, 64, 63, 61, 62, 56, 58 और 66। अब ये डेटा कौन सा है आपका? इंडिविजुअल सीरीज़ का। तो इंडिविजुअल सीरीज़ का अगर क्वार्टाइल रेंज निकालना हो तो सबसे पहले टर्म्स को अरेंज करो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग में करो। तो हम इनको अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब लोअस्ट टर्म टू हाईएस्ट टर्म। तो इसमें लोअस्ट टर्म क्या है आपकी? दैट इज 56, लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 58, लिख लो। फिर 59। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी? 60। 60 के बाद नेक्स्ट 61, फिर 62, फिर 63, फिर 64, फिर 65, 66। नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे भी चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब टर्म्स हमारी बराबर हैं। अब हमने निकालना क्या है? क्वार्टाइल रेंज। तो क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने, फिर भी लिख देती हूँ। दैट इज Q3 माइनस Q1। अब पहले क्या निकालना है? Q3 भी निकालना है और Q1 भी निकालना है। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। क्लियर? जब हम मीडियन में कर रहे थे तो यहाँ पे हम करते थे n प्लस 1/2। अब क्वार्टाइल में कर रहे हैं, क्वार्टाइल का मतलब जैसे मान लो ये लाइन है तो इसके चार पोर्शन हैं, 2, 3 और ये 4। इसी तरह तो इसको किससे डिवाइड किया हमने? 4 से। और क्वार्टाइल कौन सा निकाल रहे हैं? फर्स्ट। तो यहाँ पे 1 लिखें चाहे ना लिखें। नंबर ऑफ टर्म कितनी थी हमारी? दैट इज 10। रखो वहाँ पे वैल्यू ऑफ 10 प्लस 1/4 आइटम। 10/4 कितना बन जाएगा ये? 11/4।
दैट इज 2.75 फिफ्थ आइटम। अब 2.7 फिफ्थ आइटम तो हमारे पास कोई है नहीं, इसलिए क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 प्लस 0.75, फिर से करूँगी वही बन जाएगा। अब इसको लिख सकती हूँ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। ये जो टर्म ये आपने इसको देख के लिखनी है, इससे एक टर्म ज़्यादा है तो हम कर देंगे थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो सीरीज में देखो थर्ड आइटम कौन सी है आपकी 59, माइनस सेकेंड कौन सी है 58, और ये सेकेंड आइटम कौन सी थी भाई, यहाँ लिखा नहीं मैंने, सेकेंड आइटम कौन सी है 58, तो यहाँ क्या आएगा 58 प्लस 0.75 कितना बन जाएगा 58.75। अब क्या निकालना है Q3, करिए वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1/4 आइटम, n हम निकाल चुके, पता है हमें कितना है 10, ये कितना बन जाएगा 10 प्लस 1 11 33/4 दैट इज 8 आइटम। तो ये भी पॉइंट्स में है, क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 0.5, मैंने कहा था इससे एक ज़्यादा है, मतलब 9th आइटम माइनस 8th आइटम। ये टर्म आपने ऐसे लिखनी है ताकि आपकी अगर हम फिर से उसको सॉल्व करें तो यही रिजल्ट बन जाए। 8th आइटम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज 64 प्लस 0.5 9th ये है, कितना आ जाएगा ये 64.25। क्या निकालना था क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ये है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 कितना आया Q1 58.75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा ये, ये हमारा सॉल्व करके बनता है 2.75। ऐसे ही अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा हो तो फॉर्मूला हम ये लगा दें। अच्छा पूछा उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है तो हम इसको करते हैं, हमने निकालना क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फॉर्मूला क्या था Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1। Q3 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये थी हमारी 64.25 और Q1 कितना है हमारा 58.75। रखिए वहाँ पे दैट इज 55/123 कितना बन जाएगा डिवाइड करके 0.0447। तो ये हमने क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किसका निकाला, इंडिविजुअल सीरीज का। इस वीडियो में हम यही तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन डिस्क्रीट का और कंटिन्यू सीरीज का भी निकालेंगे। क्लियर, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू।